हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक कंपैरिजन वीडियो जो कि होने वाला है दो पाउडर हाइलाइटर के बीच में। पहला है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर और दूसरा है शुगर ब्रांड का हाइलाइटर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हैं ये दोनों हाइलाइटर या इनमें से कौन सा हाइलाइटर मुझे पसंद है या अगर आप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो इनमें से कौन सा हाइलाइटर आपको बाय करना चाहिए और क्यों, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी या मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर वन, मैंने इन दोनों हाइलाइटर को खुद यूज किया है, मतलब हर तरह से यूज किया है। एवरीडे लुक के लिए यूज किया है, पार्टी लुक के लिए यूज किया है, तो मुझे पता है कि हाँ ये हाइलाइटर कैसा वर्क करते हैं या ये हाइलाइटर कैसे हैं। तो प्लीज इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखिएगा। पॉइंट नंबर टू, इन केस आपको इन दोनों में से कोई एक हाइलाइटर बहुत ज्यादा पसंद हो या बिल्कुल भी ना पसंद हो, जैसे कि किसी को वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर पसंद होगा, किसी को शुगर का हाइलाइटर पसंद होगा, तो अगर आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से मैच नहीं करता है तो प्लीज माइंड मत करिएगा, क्योंकि मेकअप, स्किन केयर या हेयर केयर ये काफी सब्जेक्टिव होते हैं। जो मुझे पसंद है हो सकता है आपको ना पसंद हो, या जो आपको पसंद है हो सकता है मुझे ना पसंद हो। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे इनके प्राइस और इनकी पैकेजिंग की। एक एक करके इनकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्टार्ट करेंगे वेट एंड वाइल्ड के हाइलाइटर से। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो पाउडर इल्यूमिनेटर या पाउडर हाइलाइटर, आप जो भी कहना चाहें। इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपीज, जिसमें आपको 4.5 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 36 मंथ। और अगर मैं शेड की बात करूं तो आई थिंक इसमें 4 शेड आते हैं या 3 शेड आते हैं, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग या फिर चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाई कर सकते हैं। मेरा जो इसमें शेड है वो है प्रीसियस पेटल, जो कि वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटर का सबसे पॉपुलर शेड है। अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो ये इसकी ओरिजिनल पैकेजिंग है और प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको इसी पैकेजिंग पे मिल जाएगी। नेक्स्ट बारी आती है इसके शेड की, तो ये है इसका शेड जो कि मैं अभी अपने फेस पे भी अप्लाई करके आपको दिखा देती हूं, क्योंकि आज मैंने हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया है। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड हाइलाइटर की तरफ। तो सेकंड हाइलाइटर है शुगर ब्रांड से और इसका जो प्राइस है, आई थिंक इसका प्राइस पैकेजिंग पे कहीं मेंशन नहीं है। हाँ, इसका प्राइस पैकेजिंग पे मेंशन है, ये इसकी आउटर पैकेजिंग है और इसका जो प्राइस है वो है 399 रुपीज। और इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो है 4 ग्राम की। इसकी सेल्फ लाइफ भी 36 मंथ है। और अगर मैं शेड की बात करूं तो इसमें भी 3 से 4 शेड आई थिंक आते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाय कर सकते हैं। अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है जो कि मैग्नेटिक है। और इसमें जो मेरा शेड है वो है 01 शैम्पेन चैंपियन, और ये है वो हाइलाइटर। इसका भी मैं स्वाच आपको दिखा देती हूं। ये है शुगर का हाइलाइटर और ये है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। अगर आप इन्हें साइड बाय साइड देखें तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस वैसे दिखेगा नहीं। फिलहाल मैं इसे भी अप्लाई कर लेती हूँ एक साइड। तो इन दोनों ही हाइलाइटर की जो डिटेल्स हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। वैसे इनका जो एग्जैक्ट करंट प्राइस है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, क्योंकि इसे तो मैंने रिसेंटली आई थिंक लास्ट मंथ या लास्ट से लास्ट मंथ ही बाय किया था, बट इसे बाय किए हुए काफी टाइम हो चुका है। आई थिंक मैंने इसे 2019 में बाय किया था।
तो इन दोनों के जो एग्जैक्ट प्राइस हैं आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं कि इन दोनों में से कौन सा हाइलाइटर कैसा वर्क करता है, या अगर आप बाय करने के बारे में सोच रही हैं तो इनमें से कौन सा हाइलाइटर आपको बाय करना चाहिए। देखिए, इससे पहले कि मैं इनके प्लस और माइनस पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूं या दोनों का कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर करूं, एक पॉइंट मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। आपको जो भी पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ यही शेयर कर रही हूं कि इन दोनों हाईलाइटर का अगर कंपेरिजन किया जाए तो दोनों में से बेस्ट हाईलाइटर कौन सा है। अगर मैं शेड की बात करूं, प्राइस की बात करूं, तो देखिए प्राइस जो है वो ओरिजिनल प्राइस कुछ और होते हैं जब आप इन्हें ऑनलाइन बाय करेंगे या सेल के दौरान बाय करेंगे, तो इससे कम प्राइस में भी आपको ये हाइलाइटर इजीली मिल जाएंगे, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनके शेड की, या इनका जो मेन प्रोडक्ट है हम उसका कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों ही हाइलाइटर को साइड बाय साइड रखें या ऐसे ही देखें तो आपको पता चलेगा कि जो शुगर का हाइलाइटर है वो बहुत ही ज्यादा पाउडरी है, मतलब ये हाइलाइटर से ज्यादा पाउडर लगता है। और वहीं पे अगर आप वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर देखें तो वेट एंड वाइल्ड के हाइलाइटर में पाउडरीनेस नहीं है, बल्कि उसमें एक इंटेंस ग्लो है जो कि इसकी पैकेजिंग में ही दिखता है। इन्हें कंपेयर करने का मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि शुगर का जो हाइलाइटर है वो बहुत ही ज्यादा पाउडरी है, जिसकी वजह से मुझे ये हाइलाइटर उतना नहीं पसंद है। क्योंकि अगर आपको नॉर्मल ग्लो चाहिए तब भी आपको इस प्रोडक्ट को ज्यादा अप्लाई करना होगा, तब जाके आपको एक नॉर्मल ग्लो मिलेगा। और अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा अप्लाई करते हैं तो याद रखिए कि आपका जो मेकअप है वो बहुत ज्यादा पाउडरी लग सकता है, या आपका मेकअप जो है वो थोड़ा सा वियर्ड भी लग सकता है, तो आपको ये पॉइंट माइंड में जरूर रखना है। वहीं पर अगर मैं बात करूं वेट एंड वाइल्ड की, अगर आपको बहुत सटल ग्लो पसंद है, बहुत हल्का ग्लो पसंद है, या बहुत ज़्यादा इंटेंस ग्लो पसंद है, जैसा भी आपको ग्लो पसंद हो आप इस हाइलाइटर से वो ग्लो ईजिली अचीव कर सकती हैं, क्योंकि ये हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी पाउडरीनेस नहीं है। यही रीज़न है कि मुझे वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे पास इसके अलावा भी जो भी हाइलाइटर हैं मुझे वो उतने नहीं पसंद है जितना कि ये। क्यों? क्योंकि ये पाउडरी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे भी आप इसे यूज करना चाहें, या जितना इंटेंस ग्लो या जितना सटल ग्लो आपको चाहिए वो आपको इस हाइलाइटर से मिल जाएगा। शेड की अगर मैं बात करूँ, प्रीसियस पेटल फिलहाल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा शेड भी है। तो दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो मुझे वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर ज़्यादा पसंद है। फिलहाल आपको जो भी हाइलाइटर पसंद हो, वेट एंड वाइल्ड या शुगर, आप उसे इजीली बाय कर सकते हैं। इसमें कोई भी फोर्स नहीं है या कोई प्रेशर नहीं है कि आपको वेट एंड वाइल्ड ही बाय करना चाहिए। और अगर दोनों का प्राइस हम देखें तो सिर्फ 100 रुपीज़ का डिफरेंस है, दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। फाइनल वर्ड की बात करूं, मुझे वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें पाउडरीनेस नहीं है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा इंटेंस है, आप उसकी क्वालिटी को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं शुगर के हाइलाइटर के कंपैरिजन में। फिलहाल इन दोनों में से आपका फेवरेट हाइलाइटर कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।